पैसे मांगने दुकान में आई बहू, सास और पति ने मिलकर पीटा, वीडियो वायरल। तो आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में। राजस्थान में चुरू जिले के सरदार शहर में महिला से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहर के वार्ड 46 में रहने वाली प्रीति मोदी नामक महिला के पति समेत ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है और उसका कहना है कि पति, सास और ससुर उसके साथ आए दिन मारपीट करते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रीति को सास भगवती मोदी और पति दिनेश मोदी भरे बाजार में पीट रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वहां काफी संख्या में भीड़ भी मौजूद है, लेकिन किसी ने भी प्रीति को बचाने की कोशिश नहीं की। लोग खड़े खड़े वीडियो बनाते रहे। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने घायल को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। पीड़िता ने बताया कि वो बिहार की रहने वाली है। दिनेश शादी करके उसे अपने साथ चुरू लाया। पहले के 7 महीने तक सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद ससुराल वाले प्रीति को तंग करने लगे, आए दिन उसके साथ मारपीट करते, यहां तक कि उसे घर से भी निकाल दिया गया। 1 महीने से वो सहेली के घर पर रही और जब इसी मुद्दे पर बात करने वो ससुर के दुकान पर पहुंची तो सास और पति ने उसे मारना शुरू कर दिया। मारपीट में उसे काफी चोटें आई। पीड़िता ने पुलिस पर भी कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। वहीं सास भगवती मोदी ने बताया कि उनके बेटे ने बिना बताए प्रीति से शादी कर ली थी। वो लोग इस शादी के खिलाफ थे, इसीलिए दोनों को किराए के घर में रहने को कहा। सास ने कहा कि प्रीति अक्सर उनकी दुकान में आती रहती है और पैसे मांगती रहती है, साथ ही उनके साथ मारपीट भी करती है। उधर थानाधिकारी बलराज सिंह ने बताया कि 1.5 साल पहले दिनेश मोदी बिहार की रहने वाली प्रीति को शादी कर चुरू ले आया था। कुछ महीने बाद ही उनका आपस में विवाद हो गया और इसके बाद दोनों ने थाने में आकर कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई। इस मामले में फिर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर प्रीति ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।